एक तरफ जहां योगी सरकार दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ बड़े बड़े एक्शन लिए जा रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं वाराणसी में मंदिर और मस्जिद विवाद ने अलग ही भूचाल मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी एक बड़ी घटना हो चुकी है। योगी सरकार अपनी एक विशेष पहचान बुलडोजर के लिए जानी गई है। ऐसे में एक बड़ी खबर और सामने आई है, जहां कानपुर हिंसा में पुलिस ने आज 9 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच ये भी खुलासा हुआ है कि कानपुर के एक लोकल पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल भरकर बम बनाए गए और उसमें हमले किए गए, तो वही मुख्य आरोपी हयात हाशमी के व्हाट्सएप ऐप चैट से भी साजिश का पता चल रहा है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया था, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोपहर बाद मौके से पथराव के वीडियो वायरल होने लगे। पुलिस ने पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। वीडियो में दोनों पक्ष की तरफ से पथराव होते नजर आ रहे हैं और कुछ वायरल वीडियो में पुलिस लोगों को समझाते और मनाते हुए भी नजर आ रही है। हालांकि तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई और पूरे एरिया को एक तरह से पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसी बीच अब कानपुर पुलिस ने दंगाइयों का पोस्टर भी जारी कर दिया है। पोस्टर में पुलिस ने 40 दंगाइयों की फोटो निकाली है। आपको बता दें कि दंगाइयों की सूचना देने वाले नाम गुप्त रखे जाएंगे। सोशल मीडिया व पोस्टर के जरिए पुलिस दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं अब मुख्य आरोपी हयात हाशमी के व्हाट्सएप ऐप चैट से भी साजिश का पता चल रहा है। हिंसा से पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप में चैट की गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चैट में बाजार बंद का जिक्र किया गया है और तस्वीरें भी डाली गई है। हालांकि हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी की व्हाट्सएप चैट से साफ हो रहा है कि पहले से ही किसी बड़े साजिश की तैयारी चल रही थी। अब तक इस केस में 80 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस की टीम इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को यहां जो कुछ हुआ उसके बाद यूपी पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा दिन में 3 बार हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।